नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसका आप लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे सकते हैं, ये 2 दिन पुरानी न्यूज है। इसके साथ में एक और न्यूज जो कल आई थी, ये दोनों न्यूज को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं पहले न्यूज की। तो यहाँ पर पुलिस भर्ती बोर्ड की फाइल पकड़ेगी रफ्तार, 15,000 पुलिस कर्मियों की एक साथ भर्ती की चुनौती। अब यहाँ पर जो न्यूज की हेडलाइंस है उसके अनुसार ये है कि 15,000 पुलिस कर्मियों की एक साथ भर्ती करने की चुनौती है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में 2018 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई है। और बात करें एमपी पुलिस की, तो एमपी पुलिस की भर्ती आखिरी बार 2017 में आई थी और इस समय वापस से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आ चुकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इस न्यूज में कहा गया है, शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के लिए आने वाले समय में 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल प्रदेश में पिछले 2 साल से पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, जबकि हर साल 5,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती किए जाने का लक्ष्य सरकार ने तय कर रखा था। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए जाने के प्रस्ताव को तैयार करने की अनुमति पुलिस मुख्यालयों के अफसरों को दे दी है। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तो उन्होंने अभी पुलिस भर्ती बोर्ड को बनाए जाने का जो प्रस्ताव है वो पुलिस मुख्यालय के अफसरों को दे दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि क्या पुलिस की भर्ती पुलिस मुख्यालय कराएगा या फिर पीवी कराएगा। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पुलिस मुख्यालय का जो काम है वो फिजिकल एग्जाम कराना, इसके साथ में जो इंटरव्यू होता है एसआई की पोस्ट के लिए और जो आगे की प्रोसेस होती है वो सारा कुछ पुलिस मुख्यालय ही कराता था, जबकि उस वक्त तक लिखित एग्जाम पीवी ही कराता था। इसका मतलब लिखित एग्जाम जो रिटर्न एग्जाम है वो पीवी कराता था, इसके बाद जो फिजिकल एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ एसआई की पोस्ट के लिए और आगे जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया हुई वो सारा कुछ पुलिस मुख्यालय ही कराता था। तो यहाँ पर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए जाने के प्रस्ताव को तैयार करने की अनुमति पुलिस मुख्यालय के अफसरों को दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस मुख्यालय ही इसके रिटर्न एग्जाम भी कराएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहा गया है, शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ माह पहले एक घोषणा की थी जिसके अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस में हर साल 5,000 लोगों की भर्ती की जाएगी, लेकिन वर्ष 2018 में वह भर्ती चुनाव के चलते नहीं निकल सकी। इसके बाद वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने यह तय किया कि पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षकों की भर्ती पीवी से नहीं करवाई जाएगी। इसके चलते पुलिस मुख्यालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की तैयारी की, लेकिन इस दौरान पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा में अफसरों के फेरबदल से यह प्रस्ताव अटका रह गया। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस प्रस्ताव के संबंध में पुलिस अफसरों ने बताया, उसके बाद यह तय हुआ कि पुलिस भर्ती बोर्ड के प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा जाए। यदि वह प्रस्ताव शासन ने मंजूर किया तो पिछले 3 साल का बैकलॉग यानी 15,000 आरक्षक और उप निरीक्षकों की भर्ती का रास्ता मध्य प्रदेश में खुल सकता है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ भर्ती कर पाना फिलहाल सरकार के लिए संभव नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 साल के बैकलॉग को 2 साल में भरने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी या फिर कहें बहुत अच्छी खबर है उन सभी आवेदकों के लिए जो काफी लंबे समय से पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सच ये भी है कि इस तरह की पेपरबाजी काफी लंबे समय से चलती आ रही है। कई बार ऐसी घोषणाएं की गई हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे कहा गया है, 2 चरणों में भर्ती की मिली थी अनुमति। पीएचक्यू ने पिछले साल वर्ष 2018 के लिए लगभग 5,300 पुलिस कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिस पर 2 चरणों में भर्ती किए जाने की अनुमति विभाग ने दी थी, जिसमें एक बार में 2,700 पुलिस कर्मी और अगले चरण में बाकी के पुलिस कर्मियों की भर्ती किए जाने की मंजूरी मिली थी। लेकिन परीक्षा किस एजेंसी से करवाई जाए इसको लेकर सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी थी। तो ये तो ही इस खबर का एक पहलू। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पहलू की। आपके स्क्रीन पर जो न्यूज़पेपर दिख रहा है वो कल का न्यूज़पेपर है। अब यहाँ पर जो दूसरी खबर है उसकी हेडलाइंस आप दे सकते हैं। इस पर कहा गया है कि अब 1 साल तक कोई नहीं होगा रिटायर। आगे इस खबर में कहा गया कि कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है, इससे प्रदेश सरकार का खजाना खाली हो गया है। इस महीने जैसे तैसे कर्ज लेकर वेतन बांट दिया गया है। सूत्र कहते हैं कि अब 1 साल तक राज्य में कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। जो भी कर्मचारी इस दौरान रिटायर होगा उसे 1 साल की संविदा भर्ती पर रख लिया जाएगा। आगे भी बहुत जानकारी दी गई है जो हमारे लिए विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करें मेन मुद्दे की, यहाँ पर ये कहा गया है कि अब 1 साल तक राज्य में कोई भी नई भर्ती नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है
और प्रदेश सरकार का जो खजाना है वो खाली हो चुका है। अब इन दो अलग अलग खबरों का क्या सच है ये आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को एक तथ्य पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो अभी हाल ही में 4 मई 2020 को जारी किया गया है। मतलब 4 मई 2020 को छत्तीसगढ़ शासन ने एक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, मतलब लॉकडाउन के दौरान ही उन्होंने नई भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीएससी यूपी पीएससी ने भी लॉकडाउन के समय नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हमारा सीधा सवाल मध्य प्रदेश की सरकार से है कि लॉकडाउन के दौरान भी यूपी और सीजी इन दोनों राज्यों में भर्ती के नोटिफिकेशन निकाले जा सकते हैं, उन राज्यों में भर्ती कराई जा सकती है, तो फिर मध्य प्रदेश में भर्ती क्यों नहीं कराई जा सकती? जबकि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2012 में 7.33 करोड़, मतलब लगभग 7.5 करोड़ जनता थी, और वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 21 करोड़ की जनता है, मतलब लगभग 3 गुने का अंतर है। तो जब उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी वहां पर नोटिफिकेशन लॉकडाउन के द्वारा निकाला जा सकता है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं निकाला जा सकता? और रही बात सरकारी खजाना की, तो जो भी नई सरकार चेंज होके आती है तो वो यही दोष लगाती है कि सरकारी खजाना उनको खाली मिला है। जैसे कि 2018 तक मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तब उनका ये मानना था कि सरकारी खजाना पूरा भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई उन्होंने कहा कि हमको मध्य प्रदेश में खाली खजाना की सरकार मिली है। और जब दोबारा 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी की वापस से सरकार आई तब उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है। तो ये सिर्फ एक राजनीति है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और किसी भी राज्य की सरकार ये बात बोलकर अपनी जवाबदारियों से पीछे नहीं हट सकती। पूरे देश के साथ में मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। स्पेशली मध्य प्रदेश में 2017 से पुलिस की भर्ती और 2018 से किसी भी प्रकार की कोई नई भर्ती नहीं की गई। काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो ओवर एज हो गए या फिर जिनका मनोबल टूट गया। इसलिए उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा चैनल साईं बाबा इन्फोटेक की तरफ से एक पहल की शुरुआत की गई है। अब हमारे चैनल के द्वारा प्रतिदिन ट्विटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को टैग करके डेली यहां पर हैशटैग मामा भर्ती निकालो, इस हैशटैग का प्रयोग करके डेली ट्वीट किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस हैशटैग का प्रयोग करके आप सभी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, जिससे सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा अगले सप्ताह से मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी ऑनलाइन निशुल्क हमारे चैनल के द्वारा कराई जाएगी, और प्रत्येक ऑनलाइन क्लास में इस हैशटैग का प्रयोग करके लोगों को प्रेरित किया जाएगा किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, जिससे सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, लगातार ये ट्वीट किया जाएगा। जब तक मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते तब तक लगातार सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इस मुहिम के लिए आप सभी के सहयोग की बहुत जरूरत है। आप सभी के सहयोग के बिना ये संभव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को जानकारी पहुंच सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ट्वीट का लिंक दे दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके इस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट कीजिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा हैशटैग मामा भर्ती निकालो इसका प्रयोग करके आप ट्वीट कीजिए, जिसमें आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को टैग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए। अब आप सभी के लिए अगले सप्ताह से ऑनलाइन फ्री क्लासेस एमपी पुलिस की तैयारियों के लिए आनी शुरू हो जाएगी, और प्रत्येक क्लास में हम इस ट्वीट के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें और इसके साथ में अपनी तैयारी शुरू कर सकें। एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एमपी पुलिस की तैयारियों के लिए आगे आने वाली क्लासेस की वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।